बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर 4 शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमारा ये लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें पहले हमने होम टैब और इंसर्ट टैब के कुछ चीज़ें कवर कर ली थी। इस लेक्चर में हम बेसिकली इंसर्ट टैब के लिंक्स और हेडर एंड फुटर के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो अगेन स्टार्टिंग विथ विंडोज़ एंड आर की, विंडोज़ और आर की को आप दबा के फिर विन वर्ड लिख के एमएस वर्ड स्टार्ट करें। विंडोज़ आर, विन वर्ड, ओके किया आपका वर्ड स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन, पेजेस एंड ये कवर किया था। उम्मीद है कि आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी चीज़ें मजबूत होंगी और आपको जहनशीन हो जाएंगी। अब हम आते हैं लिंक्स की तरफ। लिंक्स के ग्रुप में आप देख रहे होंगे तीन चीज़ें आ रही हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आपने किसी भी टेक्स्ट को किसी और चीज़ के साथ लिंक करना है। अब वो क्या चीज़ हो सकती है, वो कोई वेब पेज भी हो सकता है, कोई ईमेल एड्रेस हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई अदर प्रोग्राम हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है। ठीक है, अब आप इसमें एक एग्जांपल देते हैं, माय सीवी। अब आपने टेक्स्ट तो लिख दिया, इसी को मैं फॉन्ट इसको बड़ा कर देता हूँ। अब इसको हाइपरलिंक मैं करना चाहता हूँ कि जैसे ही इस माय सीवी को ऊपर क्लिक हो, मेरा सीवी ओपन हो जाए। ठीक है, वो पीडीएफ के फॉर्म में पड़ा हुआ है अभी डेस्कटॉप के ऊपर, उसको मैं लिंक कर देता हूँ। सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जाऊँगा, हाइपरलिंक पे गया। अब उसने मुझे कह दिया कि ये चार ऑप्शंस आ गई हैं कि ईमेल एड्रेस के साथ करना है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करना है, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने हाइपरलिंक करना है। अभी हम करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज जैसे हमने किया तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वेबसाइट भी ले सकते हैं या फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में हम फाइल सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बजाय मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरे पास यहाँ पर सीवी पड़ा हुआ होगा, ये। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया। अब ब्लू जैसी हो गया, इसके ऊपर अगर माउस लेके जाएंगे तो वो बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। अब अगर कंट्रोल का बटन आप दबाएंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस आप क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आपके पास पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। इसी तरह आप चाहते हैं कि वेबसाइट के साथ लिंक करना चाहते हैं, किसी भी वेबसाइट के साथ। ठीक है, मैं कहता हूँ माय वेबसाइट, इसको मैं सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक, इसी की जगह पे मैं अपनी वेबसाइट लिख दूंगा। तो अभी भी अब यही होगा कि आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो यार वर्ड इज प्रिपेयरिंग टू गो टू दिस लिंक। प्रोसेस होगा आपका, जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम जाते हैं हाइपरलिंक पे और भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं ये वेबसाइट आपकी। ये देखें, वेबसाइट इसमें ओपन हो गई आपकी। ठीक, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, सॉरी। अच्छा जी, इसी तरह मैं कहता हूँ ईमेल मी में हाइपरलिंक में जाता हूँ और मैं कहता हूँ ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप डायरेक्टली ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, kamran99@gmail.com। इससे क्या होगा, इसमें भी हाइपरलिंक बन जाएगा। सब्जेक्ट में इवन आप कह सकते हैं कि माय सीवी। अब इसमें देखें हाइपरलिंक बन गया, और बाय डिफॉल्ट जैसे यूजर क्लिक करेगा तो उसका जो भी डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट होगा, चाहे वो जीमेल है चाहे वो आउटलुक है, तो वो उसमें माय सब्जेक्ट सीवी भी आ जाएगा और वो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल एड्रेस के साथ जो है वो ईमेल आपको कर सकते हैं इसमें। इसी तरह आप सेम डॉक्यूमेंट के अंदर भी काम कर सकते हैं। इसी को मैं क्या करता हूँ कि जैसा लास्ट टाइम हमने किया था, मुख्तलिफ बुकमार्क किए थे, हमने हेडिंग्स बनाई थी। ठीक है, मैंने कहा था इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, फिर नेक्स्ट पे हमने कहा था होम टैब, फिर हमने कहा कंट्रोल एंटर, हमने कहा इंसर्ट टैब। अब इन सब को हमने होम पे जाके हेडिंग 1 बना दिया। इसी तरह इसको हमने टाइटल बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि
इसको मैं लिंक कर दूं, ठीक है। गो टू इंसर्ट टैब, इंसर्ट हाइपरलिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे मैंने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट किया तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी हमने बुकमार्क्स अगर फ्यूचर में बनाएंगे, बुकमार्क्स बनाए हुए हों या हमने हेडिंग्स बनाई हुई हों, देखो ऑटोमेटिकली उसने हेडिंग को आइडेंटिफाई कर दिया कि होम टैब और इंसर्ट टैब। तो आप कहते हैं गो टू इंसर्ट टैब पे क्लिक हो और ये, अब इस पर क्या होगा, जैसे कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे आप तो आप इंसर्ट टैब पर पहुँच जाएंगे। अब ये बजाय इसके आप इसको सर्च आउट करते हैं, आप इसको डायरेक्टली कहीं पर भी रेफर करके डायरेक्टली उस पेज पर जा सकते हैं। इसी तरह आगे आते हैं बुकमार्क। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अब जिस तरह हमने ये हेडिंग वन बनाया, हेडिंग टू बनाया, ये बाय डिफॉल्ट बुकमार्क हो गया, खुद ही डॉक्यूमेंट का एक आइडेंटिफिकेशन बन गया। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें जो हेडिंग नहीं है और आप उसको बुकमार्क करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह होम टैब इंसर्ट टैब के बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हाइपरलिंक के बारे में लिख रहे थे, इसको हम हेडिंग नहीं, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग हमने नहीं बनाना तो हम हाइपरलिंक को यहाँ पे बुकमार्क कर देते हैं, ठीक है। इसका इस लोकेशन को हम नाम दे देते हैं, इस लोकेशन का नाम है बेसिकली हाइपरलिंक या व्हाट्सो एवर, जो भी आप इसको जो है वो इसको आप ऐड करते हैं, ये इसकी लोकेशन बन गई। इसी तरह आप इसी इसको भी आप जिस तरह इंसर्ट टैब था इक्वल टू हाइपरलिंक, इसको आप जो है वो हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। तो ये देखें बुकमार्क में भी आ गया, गो टू हाइपरलिंक। ठीक हो गया। इसी तरह आपकी जो हमने टेबल्स बनाए थे, आप टेबल्स के ऊपर जो है वो टेबल टेबल के नीचे जो है वो आप टेबल बुकमार्क भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टेबल को इंसर्ट किया, उसी टेबल के जो है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं कैप्शन फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी टेबल का कैप्शन, इसी टेबल का कैप्शन अगर हम डालते हैं टेबल वन, हम ये कहते हैं हमारा ये क्लास रिजल्ट का टेबल है फॉर एग्जांपल, तो इस क्लास रिजल्ट के टेबल का ये ऑटोमेटिकली रेफरेंस बन गया। इसी को आप क्रॉस रेफरेंस भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसी टेबल को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एज शोन इन, तो आप इसको इंसर्ट के टैब में जाकर क्रॉस रेफरेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि एज शोन इन टेबल, अब टेबल का जितने भी टेबल्स होंगे आपके पास आ जाएंगे, एस टॉन इन टेबल यहाँ इंसर्ट कर दें, तो ये देखें ये उस टेबल का यहाँ पर लगा और ये ऑटोमेटिकली उसके साथ हाइपर लिंक हो चुका है, जैसे क्लिक करेंगे तो वो उस टेबल पे पहुंच जाएगा। अब हम आते हैं अगले ग्रुप की तरफ जिसमें आ रहा है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का बेसिक मकसद क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऐसे कंटेंट जो आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं उसके हेडर पेज के हेडर के ऊपर या फुटर के ऊपर, ठीक है। एक सूरत हाल ये है कि हम हमारी 1000 पेजेस की रिपोर्ट है या 100 पेजेस की रिपोर्ट है तो हम हर पेज के ऊपर जाके अपना नाम लिख दें या डॉक्यूमेंट का नाम लिख दें या हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम आ जाए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। उसमें नुकसान क्या है कि अगर आपको चेंज करना पड़े तो आपको मैनुअली तमाम पेजेस के ऊपर बार बार चेंज करना पड़ेगा, जबकि हेडर एंड फुटर की ऑप्शन से आप एक ही दफ़ा तमाम पेजेस को रिपीट करा सकते हैं और एक ही दफ़ा चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सब पेजेस के ऊपर चेंज हो जाएगा। जिस तरह अब हम यहाँ पे इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडर लगाना चाहते हैं तो हम हेडर पे जाएंगे और इसकी कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं, ब्लैंक भी है कुछ, सेंटर लाइन, ठीक है, मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम ये वाला टेम्पलेट ले लेते हैं एनुअल का। अब इसके ऊपर हमने डॉक्यूमेंट का नाम लिख दिया इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड और ईयर हम लिख देते हैं यहाँ पे 2018। अब इसको हम क्लोज करेंगे हेडर को। अब आप देखेंगे पेज हर जितने भी पेजेस हैं हर पेज के टॉप के ऊपर आपका ये हेडर मौजूद आ गया। इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो हर पेज पे चेंज हो जाएगा। सेम केस है फुटर के साथ, इसी तरह फुटर भी आप डाल सकते हैं। इवन पेज नंबरिंग के साथ देखें कुछ टेम्पलेट्स हैं जिसमें आपके पास पेज नंबर्स मौजूद हैं। अब ये देखें ये टेम्पलेट जो है वो ऑड पेजेस के साथ है, इवन पेजेस के साथ है, इवन, ठीक है, मतलब एक छोड़ के भी आप डाल सकते हैं। इसी तरह ये एनुअल के इसी का इस्तेमाल करते हैं फुटर जिसमें पेज नंबरिंग आ रही है बाय डिफॉल्ट, कुछ और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अभी ऑटोमेटिकली पेज नंबरिंग आ गई हर पेज के ऊपर, ठीक हो गया। ये हेडर एंड फुटर था। इसी तरह स्पेसिफिकली हेडर एंड फुटर के से ही जो है वो
पेज नंबर है जिसमें स्पेशल मुख्तलिफ पेज नंबर की इसमें जो है वो एट्रीब्यूट दिए गए हैं कि आप टॉप ऑफ द पेज के ऊपर पेज नंबरिंग देना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द पेज पे देना चाहते हैं, पेज मार्जिन्स के ऊपर साइड पे देना चाहते हैं, या किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर आप जो है वो पेज नंबर देना चाहते हैं। इसी तरह आप उन पेज नंबर्स को फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, उसकी नंबरिंग स्कीम आप नंबर रखना चाहते हैं, ठीक है, ए बी सी रखना चाहते हैं या अलिफ बे या और कोई और सीक्वेंस आप देना चाहते हैं, तो आप उसके मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इवन कभी होता है कि आपने रीस्टार्ट करना होता है, कि आपने कहते हैं होता है कि ये पेज नंबरिंग स्टार्ट हो फ्रॉम 10, आपका कोई और डॉक्यूमेंट किसी और नंबरिंग के साथ चल रहा है, आप स्टार्ट 10 से करना चाहते हैं या कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शंस, तो आप मुख्तलिफ चैप्टर वाइज भी इसमें जो है वो पेज नंबरिंग डाल सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टेक्स्ट बॉक्स और सिम्बल्स की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, और जो क्विज़ हमने उसमें डाला हुआ है गूगल क्लासरूम के अंदर उसको परफॉर्म करें। इस लेक्चर का भी क्विज़ जल्दी आपके सामने शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।